पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस दौरान सैनी के अधिवक्ता भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि सैनी को सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पंजाब विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी पर हाल ही में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद विजिलेंस ने कोठी पर सैनी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दी थी। इस दौरान विजिलेंस ने जांच के लिए कोठी से कई जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसमें उच्च अदालत ने उन्हें जांच के सहयोग की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद बुधवार को सैनी अपने वकीलों के साथ देर शाम विजिलेंस कार्यालय पहुंचे। पूछताछ के दौरान उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का इस बीच ये कहना है कि सैनी को फिलहाल गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। तो बता दें, यहाँ पूर्व डीजीपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व डीजीपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ विजिलेंस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और पूछताछ के लिए भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सैनी के अधिवक्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि सैनी को सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि पंजाब विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी के हाल ही में मुकदमा भी दर्ज किया था।